वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट के सोशल स्टडी का क्लास 7 ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडी। क्लाइमेटिक रीजंस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। क्लाइमेट कहते हैं मौसम को या आबोहवा को। तो आबोहवा मुसलमानों की दुनिया या मुसलमानों का इलाका जो है उनमें आबोहवा या मौसम। डेजर्ट्स पहला टॉपिक है, डेजर्ट सहरा। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डेजर्ट एंड बुक वन। आपने बुक वन में पढ़ा है डेजर्ट के बारे में, सहरा के बारे में, कि सहरा क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम सम वॉस वेयर वाटर कैन बी रीच्ड ग्राउंड सोर्सेस। इसमें ओआसिस कहते हैं नखलिस्तान को, या ऐसी जगह पर चंद पौधे हों, दरख्त हों, उसके साथ पानी हो। तो सहारा में दरख्त जो होते हैं वो ज़्यादातर खजूर होते हैं, तो इसलिए इसको नखलिस्तान कहते हैं। नखल कहते हैं खजूर को। तो सहारा में जा बजा नखलिस्तान के अलावा और कुछ नहीं होता, झाड़ियाँ होती हैं, और वहाँ पानी जो है वो ज़मींदोज़ ज़राए के वहाँ पहुँचता है, क्योंकि इस तरह कुला जब पानी आएगा तो वो सूख जाएगा गर्मी की वजह से। डेजर्ट हुई रहा था या दासी से चलते कि उन्हें बूटी ढेर कम हुई या नहीं। डेजर्ट पर भगवान की तरह सुबह ले दे और उस दलते की पर डेजर्ट की द नखलिस्तान ना द खजूर द बुटू ना ज्यादा से खजूर वाड़ो वाड़ो बागुना इजा के दागे ना अलावा पर ज्यादा से खास से नहीं अवगे की चिदा उबो कम दिनों दजमा के दलान दे पजरियो सरा दाल तक राशी। डेजर्ट्स हैव हार्डली एनी एग्रीकल्चर आउट। सहराओं में ज़रात या पैदावार बहुत कम होता है या बहुत मुश्किल से होता है। ज़रात मतलब उसमें से खेती खेती बाड़ी वगैरह या पौधे लगाना मुश्किल काम होता है। पर सहरा या पो दशाड़ा के बूटी लगोल या आलते के पसलून रनखार दे। बट सम ऑफ देम हैव इमेंसली वैल्यूएबल मिनरल सच एज ऑयल। लेकिन कुछ सहराओं में या बहुत कीमती जो है वो मादनियात होते हैं जैसे तेल। इमेंसली बहुत ज़्यादा और वैल्यूएबल कीमती मिनरल्स कहते हैं मादनियात। वो मादनियात किसको कहते हैं? वो चीज़ें जो ज़मीन से निकलती हैं। मादनियात उसको कहते हैं जो चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं उनको कहते हैं मादनियात। ठीक है, तो ये मिनरल्स मादनियात इमेंसली बहुत ज़्यादा, और इससे तेल निकलता है तो वो आप कह सकते हो कि ये ऑयल है। ठीक है, या कोल आवा सीजन चीज मक के अंदर आऊजी आगा मिनरल तो मिनरल मादनियात होता हुई और जो कम जाके सहरा भी नागे के नोर से खुदा मादनियात पकड़े जात भी बाद सहरा गानों के। द मुस्लिम सीम टू हैव बीन अलॉटेड मोर देन इट्स शेयर ऑफ डेजर्ट। ऑलमोस्ट थ्री क्वार्टर ऑफ ऑल द मेजर डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड आर इन द मुस्लिम टेरिटरी। मुसलमानों की दुनिया ख्याल की जाती है, इसके बारे में बताया जाता है, ख्याल किया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसको अल्लाह ताला ने चार में से तीन हिस्से सहराओं के दिए हैं। मतलब अगर चार हिस्से सहरा के हों तो उसमें से तीन हिस्से मुस्लिम वर्ल्ड में है, मतलब 3/4 पार्ट जो है ये हिस्सा जो है ये मुसलमानों की इलाके में आता है डेजर्ट का दुनिया। अगर इसका अंदाज़ा लगाए टेरिटरी कहते हैं इलाके को, टेरिटरी कहते हैं इलाका, और डेजर्ट तो सहरा को कहते हैं। शेयर हिस्सा को कहें, अलॉटेड देना
दीज आर सहारा एन अफ्रीका। और वो डेजर्ट्स कौन कौन से हैं? सहारा है अफ्रीका में, विच मेक अप 60% ऑफ द टोटल डेजर्ट एरिया इन द वर्ल्ड, जो दुनिया का 60% हिस्सा गहरा हुआ है सहाराओं का। मतलब दुनिया में जितने सहारा हैं उनका 60% सहारा डेजर्ट है। और सहारा डेजर्ट, ये नीचे आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये द सहारा एंड लीबिया। लीबिया में जो सहारा डेजर्ट है, ये सारा सहारा डेजर्ट है। आपको सिर्फ रेत इसमें आ रहा है, देखो, और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपका बुक है ना। और ये दूसरा जो है द थर्ड डेजर्ट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान डेजर्ट है। देखो इस डेजर्ट में जड़ी बूटियां आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन न तो मकान है न उसमें कोई बड़े पेड़ पौधे हैं, ठीक है, छोटे छोटे झाड़ियाँ होती हैं इसमें। इस तरह अरबियन द अरबियन डेजर्ट, डेजर्ट द सोमाली डेजर्ट, द खजियाल कौम एंड उज्बेकिस्तान एंड द सिलूट एंड ईरान। तो ये मुख्तलिफ डेजर्ट्स हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में हैं, ठीक है। और क्या करना है, ये डेजर्ट को तलाशने हैं कि इतना पर है नेट पे, ठीक है। ये आपका होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। होमवर्क में आपने ओएसिस ढूंढना है कि ओएसिस किस तरह होता है, उसका पिक्चर लेना है। और डेजर्ट एंड मुस्लिम वर्ल्ड, कि मुसलमान दुनिया में कितने, मतलब जो मुसलमान दुनिया में जितने डेजर्ट हैं उन डेजर्ट्स के आपने एरिया मालूम करना है और उनके पिक्चर्स लेने हैं। ये मैं यहाँ पर कैमरे में आपको दिखा रहा हूँ। आपने पहले ओएसिस मालूम करना है, ठीक है, और उसके बाद डेजर्ट्स एंड मुस्लिम वर्ल्ड, सहारा एंड अफ्रीका, इसका एरिया, इसका पिक्चर, अरबियन थर, सोमाली, द हजल कौम एंड उज्बेकिस्तान, ईरान। ये नेट पे सर्च करके इसके पिक्चर्स लेने हैं और इसका एरिया मालूम करके नोटबुक करना है। तो ये आपका होमवर्क है।